गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास थर्ड इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर टाइटल इज़ हु विल बेल द कैट बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा आई होप ये आप स्टोरी आपने पहले भी सुनी हुई होगी चलिए अब हम इसको रीड करते हैं माई सेल्फ स्वीदी सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स लॉन्ग टाइम आ गो बहुत समय पहले अ बिग एंड टेरिफिक स्ट्रीपी कैट स्ट्रीपी कैट यानी कि धारीदार बिल्ली लिव्ड एट एन ओल्ड फार्म हाउस एक पुराने फार्म हाउस पर एक भयानक और टेरिफिक का मतलब होता है भयानक स्ट्रीपी कैट धारी दार बिल्ली कहाँ रहती थी एक पुराने फार्म हाउस पर रहती थी सेवरल rats also लिव्ड एट द सेम फार्म हाउस उनमें से कुछ न, कुछ चूहे भी वहाँ पर रहते थे उसी फार्म हाउस पर सेम फार्म हाउस पर दे were scared ऑफ द कैट वे सब बिल्ली से डरते थे सींग द कैट बिल्ली को देखकर कर द रेट्स स्टार्टेड जो हैं वो स्क्विकिंग uh, करने लगते थे यानी कि डरने लगते थे और बोलते थे चीखने लगते थे कि स्ट्रिपी स्ट्रिपी यानी कि धारीदार धारीदार एंड मूव अवे टू दे हाउस और जल्दी से भागकर अपनी हॉस में चले जाते थे द रेड वॉज कार्ल द स्ट्रीपी अमॉन्ग दैम जो बिल्ली थी वो उनके द्वारा क्या बुलाई जाती थी धारीदार स्ट्रिपी। उन सब के द्वारा स्ट्रीपी वुड कैच एट लीस्ट वन और टू रेड्स एट अ टाइम जो स्ट्रीप भी वो एक बार में कम से कम एक या दो चूहे पकड़ लेते पकड़ लेता था वी आर लूजिंग अवर ब्रदर सिस्टर्स एंड कजिन्स डेली हम अपने भाई बहनों और चचेरे भाइयों को रोज खो रहे हैं वी शुड डू समथिंग सॉलिड इन द रिगार्ड इन दिस रिगार्ड हमें इस संबंध में कुछ ठोस करना चाहिए अदरवाइज नहीं तो वी ऑल बी डेड वेरी सुन हम सब जल्दी ही मर जाएंगे एंड ओल्ड रेड्स उनमें से एक किसी बूढ़े बूढ़े चूहे ने कहा वनडे एक दिन वैन दीपी वाज नाट इन द सराउंडिंग जब धारी दार हमारे वाज नाट इन द सराउंडिंग आस पास नहीं थी ऑल द रेड्स गेट टूगेदर सभी चूहे जो थे वो साथ में आ गए इन फ्रंट ऑफ द काउ शेड गौशाला में काउशाइड का मतलब होता है गौशाला जहाँ पर गाय भैंसें होती हैं तो वहाँ पर आ गए सभीता ओल्ड रेड सेड बूढ़ा जो चूहा था वो बोला वाट मस्ट वी ऑल डू टू स्टॉप दिस स्ट्रिपी फ्राम किलिंगस हम क्या कर सकते हैं इसको धारीदार को रोकने के लिए हम हमें मारने से रोकने के लिए एडवाइज़ मी सम आइडियाज़ मुझे कुछ विचार दो यानी कि मुझे कुछ विचार की सलाह दो सम ऑफ द रेट्स उनमें से कुछ चूहे हैं। आइडियाज कुछ uh, सलाह दी उनमें से किसी ने बट नथिंग वॉज लुकिंग पॉसिबल लेकिन कुछ भी ऐसा uh, संभव नहीं लग रहा था लेट्स प्रिपेयर लार्ज ट्रैप चलो एक बड़ा जाल तैयार करते हैं वन रेट एडवाइस एक चूहे ने सलाह विचार दिया सलाह दी लेट्स टॉप हर क्लाउज एंड चलो उसके पंजे और दांत बंद कर देंजेस्टेड अनदर दूसरे ने सुझाव दिया वाट डू यू थिंक अबाउट पॉइजनिंग हर आप उसे धैर्य देने के बारे में क्या सोचते हैं सेट अनदर रेड एक और चूहे ने कहा अल्टीमेटली अंत में वन ऑफ द स्मॉल रेड्स क्लिमड ऑन टू ए बंबू पोल अंत में एक छोटा चूहा बांस के खंभे पर चढ़ गया वेविंग अ बैल घंटी लहराते हुए ही शाउटेड वह लाया वी शेल टाई दिस वी शेल टाई दिस बेल अराउंड द स्ट्री नेक हम इस घंटी को धारी के गले में बांधेंगे देयर फॉर इसलिए वी शैल कम टू नो वेयर शीज वी शैल कम टू नो वेयर शीज इसलिए हम जानेंगे कि वह कहाँ है वी वी विल हैव टाइम टू डिफेंड अवर सेल्फ हम सभी के पास अपना बचाव करने का समय है डैट सेंसिबल थाट यह समझदार विचार है सेट द ओल्ड रेड बूढ़े चूहे ने कहा बट हु विल बेल द कैट लेकिन बिल्ली को कौन बोलेगा या बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा सैडर रेड स्टैंडिंग बिहाइंड द ओल्ड रेड बूढ़े चूहे के पीछे खड़ा एक चूहा बोला ऑल द रेड ओवर देयर वर विस्परिंग वहाँ के सभी चूहे फुसफुसा रहे थे नॉट मी मैं नहीं आई आई डि आई इट विलिंगली मैं इसे स्वेच्छा से करूँगा बट लेकिन नो आई कॉन्ट नहीं मैं नहीं कर सकता नोट मी मैं नहीं मैं नोट मी मैं नहीं आई नो हाउ टू डू इट मुझे पता है यह कैसे करना है सेट द लिटिल रेड छोटे चूहे ने कहा हाउ कैसे ऑल आस्ट टूगेदर सभी ने पूछा साथ में सबने एक साथ पूछा वी नीट टू गैदर टू द पॉन टमारो मनिंग हमें कल सुबह तालाब में इकट्ठा होना है आई विल शो यू मैं मैं तुम्हें दिखाऊँगा सेट द लिटिल रेड छोटा चूह बोला दैक्स्ट डे अगले दिन ऑल द रट नियर द पॉइंट जो सभी चूहे थे वो कहाँ मिले तालाब के पास जाकर मिले दस्ट्री दा, भी धारी दार वाज देर टू वह वहाँ पर जो था धारी धार भी वहीं पर था ऑल द र्स लुक बरिएड सभी चूहे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे द लिटिल रेड सेड छोटे चूहे ने कहा आई हैव चैलेंज स्ट्रीबी टू रन अ रेस मैं स्ट्रीबी को रेस चला रेस करने की चुनौती देता हूँ वी विल रन फ्रॉम अ हट टू द टेम्पल एंड बैक हम एक झोपड़ी से भागकर मंदिर की मंदिर की ओर वापस लौटेंगे ही इज़ ट्राइब्ड वह धारी धार है डज ही थिंक ही कैन बीट द कैट क्या उसे लगता है कि वह बिल्ली हो बिल्ली न, को हरा सकता है ही इज़ रियली फूल वह वास्तव में मूर्ख है दे अवर सम ऑफ द वर्ड द लिटिल रैड हीयर्ड फ्रॉम द अदर रैड्स कुछ ऐसे शब्द थे जो छोटे थे और अन्य चूहों से सुनते थे द रेस स्टार्टेड एंड द स्ट्रीपी रन फॉरवर्ड दौड़ शुरू हुआ है धारी दार आगे दौड़ा स्ट्रिप covered the race from hut to the temple to in no time जो धारी धार था झोपड़ी से मंदिर तक की कुछ ही समय में पूरी कर ली दौड़ को ऑल वर वेटिंग फॉर रेट टू अराइव सब ने एक साथ बात की सब सभी जो थे छुए के आने का इंतजार कर रहे थे what विल हैपन now अब क्या हो गया एवरी वन टॉक टूगेदर सब एक साथ बात कर रहे थे एट लास्ट द रेट अराइव्ड अंत में चूहा पहुंचा इन द विनिंग पॉइंट जीतने की जीत के, के, के पॉइंट पर पहुंचा ही वॉज पेंट पेंटिंग विथ नो स्क्वीक वह बिना किसी चीख के पेंटिंग pen, कर रहा था ही फेल्ड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ उसे खुद पर शर्म आ रही थी एन एल्डर रेड कम फॉरवर्ड एक बड़ा चूहा गया आया वी आर प्राउड डेट द स्ट्रीपी इज़ द विनर हमें गर्व है कि स्ट्रिपी विजेता है आई हैव अ स्पेशल रिवार्ड फॉर हर मेरे पास उसके लिए एक विशेष नाम है सैडर रेड चूहे ने कहा देन एवरी वन लुक्ड एग्री एट द पैकेट इन हिज हैंड जब सबने अपने हाथ में पैकेट को अपने हाथ में पैकेट को सुखा से देखा उत्सुकता यानी उत्साहित होकर ही क्लेवलली अनव्रैब्ड इट एंड पुट अ गोल्ड चेन विथ अ बेल अराउंड द स्ट्रिपीज नेक तो उसने बड़ी चतुराई से उसे खोल दिया और धारी के गले में घंटी के साथ एक सोने की जंजीर डाल दी देन स्ट्रीपी प्लीज एंड रेन अवे दादा वो परेशान हो गया और वहाँ से भाग गया एंड स्ट्रीपी वेंट अवे दे कुड दे कुड हियर द टिंकल ऑफ बेल जैसे ही पट्टी स्ट्रीपी भागी तो वो घंटी की आवाज़ सुन सकते थे देयर वाज ग्रेट चीयर फॉर द रेड सोसाइटी यह चूहों की सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी खुशी थी आए वो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा इफ यू एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी आई कैन सॉल्व थैंक यू